नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस में वॉशिंग मशीन के बारे में। आज का हमारा उद्देश्य है ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के वायरिंग डायग्राम को जानना। तो चलिए देखते हैं ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के वायरिंग डायग्राम को। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के वायरिंग डायग्राम के बारे में। आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख पा रहा है बॉटम लोअर साइड में लेफ्ट साइड में तीन लाइनें दी गई हैं। ये तीनों लाइन एसी सप्लाई को दर्शाता है। एक है फेज के लिए, सबसे लोअर में न्यूट्रल के लिए है और मिडिल पार्ट में अर्थिंग के लिए है। ये जो सिंबल है ये अर्थिंग के लिए दर्शाया जाता है। फेज कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड होगा। कंट्रोल पैनल के सेफ्टी के लिए फेज में हम लोग लाइन सप्लाई में फ्यूज को कनेक्ट किया गया है ताकि कंट्रोल पैनल की सेफ्टी हो सके। फ्यूज एक सर्किट ब्रेकर होता है। जब कभी भी ओवर वोल्टेज होगा तो कंट्रोल पैनल को फ्यूज के माध्यम से बचाया जाएगा। यहां आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कनेक्टर कनेक्ट किए गए हैं। ये 6 कनेक्टर टेम्पोररी कनेक्शन के रूप में यूज होता है, यानी कि फ्रेंडली यूजिंग के रूप में। जिस तरह से आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमेशा के लिए उसमें कनेक्ट नहीं करते, जब आपको जरूरत होता है तो कनेक्ट करते। पहले क्या होता था, सोल्डिंग आयरन की यूज की जाती थी जिससे यह परमानेंट कनेक्ट हो जाता था। रिपेयरिंग करते समय मुश्किल होता था, आइडेंटिफाई करते समय, टेस्टिंग समय मुश्किल होता था, इसलिए कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कनेक्टर में सबसे पहले फेज और न्यूट्रल आया है और इस कनेक्टर से कनेक्ट हुआ है कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल भी अभी आपका सप्लाई आ चुका है। अब इस कंट्रोल पैनल को आप यूं समझिए कि एक जंक्शन है। इसी कंट्रोल पैनल से मोटर में सप्लाई जाएगा, इसी कंट्रोल पैनल से सारे सेंसर में सप्लाई जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे है। नीचे देख पा रहे हैं एक मोटर है, राइट साइड, बॉटम राइट साइड में। ये मोटर वही मोटर है जिसके मदद से हम लोग कपड़ा धोते हैं या सुखाते हैं। इस मोटर में तीन टर्मिनल है, एक टर्मिनल कॉमन है जो नीचे की ओर आया है और दो टर्मिनल स्टार्टिंग और रनिंग। स्टार्टिंग और रनिंग से हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट किए हुए हैं। ये जो आपको सिंबल दिख पा रहा है ये कैपेसिटर, और जो कॉमन पार्ट है वो न्यूट्रल से कनेक्टेड है। ये भी जो फेज मिला है वो कहां से मिला है, कनेक्टर से, और कनेक्टर को कौन दे रहा है, तो कंट्रोल पैनल। अब ऊपर में आप देख पा रहे हैं वाटर लेवल सेंसर है और सेफ्टी स्विच है। वाटर लेवल सेंसर कंट्रोल पैनल से सप्लाई ले रहा है और वाटर लेवल सेंसर का काम होता है कि ड्रम के अंदर पानी के प्रेशर को सेंस करना और कंट्रोल पैनल को इन्फॉर्म करना। सेफ्टी स्विच का काम होता है जब ड्रम यूज में आ रहा होगा, मतलब आपका वॉशिंग मशीन ऑपरेट है, कपड़ा धोया जा रहा है या सुखाया जा रहा है, तो जरूरी है कि डोर सील हो, तो डोर में लॉक लग सके, इसलिए सेफ्टी स्विच का यूज किया जाता है। नीचे देखिएगा आपको मोटर ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ये वाटर पंप की तरह है, इसमें दो ही टर्मिनल आपको दिख रहे हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं ड्रेनिंग सिस्टम, जहां हम लोग वेस्टेज वाटर को वॉशिंग मशीन से बाहर करने में इसका यूज करते हैं। फीड वाल्व क्या होता है, फीड वाल्व हम लोग पहले से भी जानते हैं कि यह एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल टैप की तरह है। हमारे घर में जब मुझे पानी चाहिए होता है तो हम जाकर खुद टैप को ऑपरेट करते हैं, तब पानी आता है। लेकिन चूंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो यहाँ जो पानी आएगा वो कंट्रोल पैनल द्वारा कंट्रोल्ड रहेगा। तो इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल से सप्लाई आएगा और वो सप्लाई इस फीड वाल्व में आएगा। तो फीड वाल्व एक वाटर इनलेट वाल्व है जो एक नल है। कैसा नल है, तो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड ये टैप है। तो मोटर ट्रैक्शन को जो न्यूट्रल मिला वो यहां से मिला, फीड वाल्व को जो न्यूट्रल मिला वो यहां से मिला, और मोटर को जो न्यूट्रल मिला यहां से। लेकिन फेज वाला हर सेक्शन ये ऊपर से आपको कनेक्ट होता दिखाई दे रहा है। कनेक्टर से यहाँ फीड वाल्व में, इस कनेक्टर से यहाँ मोटर ट्रैक्शन में, और यहां से जो आप देख पा रहे हैं ये इस कंट्रोल पैनल को न्यूट्रल पहुंचाया गया है। ठीक है, कनेक्टर से आपका मोटर कनेक्ट है। तो आप इसे जब गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मुख्य जो डायग्राम में है वो मोटर है, दो मोटर है, सेंसर है और इलेक्ट्रिक कंट्रोल फीड वाल्व है, यानी कि वाटर इनलेट वाल्व है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के वायरिंग डायग्राम के बारे में। यहां भी दो मोटर लगे होंगे, एक मोटर का नाम होता है वॉश मोटर और दूसरे मोटर का नाम होता है स्पिन मोटर।
वाश मोटर का प्रयोग हम लोग कपड़ा धोने में करते हैं और स्पिन मोटर का प्रयोग हम लोग कपड़ा को सुखाने में करते हैं। इन दोनों मोटर में तीन तीन टर्मिनल है, एक टर्मिनल कॉमन है और दो टर्मिनल स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है। वाश मोटर में आप देख पाएंगे यहाँ है दो टर्मिनल जिससे कैपेसिटर कनेक्टेड है, या स्पिन मोटर में आप ऊपर देख पा रहे हैं कि यहाँ भी कनेक्टेड है कैपेसिटर। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूं, यहाँ एसी सप्लाई है, तीन टर्मिनल यहाँ लिए गए हैं पावर प्लग में, एक अर्थिंग से कनेक्टेड है और यहाँ ऊपर फेज से कनेक्टेड है। जब फेज यहाँ आएगा तो यहाँ पर एक जंक्शन बनाया गया। ये जंक्शन किस लिए है, यहाँ से एक वायर जा रही है वाश टाइमर की ओर और दूसरा स्पिन टाइमर की ओर। हम पहले आपको वाश टाइमर समझाते हैं। वाश टाइमर में फेज और न्यूट्रल सप्लाई आएगी, यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है देखिए व्हाइट वायर से और स्काई ब्लू कलर से यहाँ पर फेज आएगा। वाश टाइमर में सप्लाई आ चुका है, इस वाश टाइमर से दो सप्लाई वाश मोटर को जा रहा है। ये क्या करता है कि वाश टाइमर ऑपरेट करता है वाश मोटर को कि वाश मोटर को कितने देर चलना है। अगर वाश टाइमर में आपने 10 मिनट का समय डिसाइड किया है तो वाश टाइमर वाश मोटर को 10 मिनट चलाएगा, इसलिए वाश टाइमर से ही वाश मोटर कंट्रोल होता है। अगर 10 मिनट वाश मोटर जब ऑपरेट हो जाएगा तो वाश टाइमर क्या करता है, इस बजर को ऑन कर देता है और बजर से बीपिंग साउंड आता है। बजर को भी फेज और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होगा, इसलिए दो वायर आपको बजर के लिए भी दिखेंगे। इस तरह से वाशिंग वाला सेक्शन काम करता है। स्पिन वाले यानी कि कपड़ा सुखाने वाले सेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि स्पिन टाइमर से लाइन जब आगे बढ़ती है तो डोर के पास एक स्विच लगा होता है जिसे हम लोग LID स्विच बोलते हैं। इस स्विच का काम यह होता है कि जो कपड़ा सुखाने वाला टब है उसके ऊपर का डोर बंद होना चाहिए। अगर डोर बंद नहीं होगा तो LID स्विच जो डोर स्विच देख रहे हैं वो सप्लाई मोटर तक नहीं जाता। तो ये वह स्विच है जो सुनिश्चित करता है कि स्पिन टब का डोर क्लोज है या नहीं। डोर क्लोज होने पे ही यहां से सप्लाई आगे की ओर बढ़ेगी, अदरवाइज यहां से LID स्विच सप्लाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो अगर सप्लाई दे दिया जाता है तो यहां मोटर में पहुंचेगा और स्पिन मोटर में सप्लाई चलेगा। तो अभी हम देख पाए हैं कि स्पिन मोटर और वाश मोटर में कैसे कनेक्शन जाता है। अभी तो हम देख चुके हैं सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन भी कैसे वायरिंग किया होता है। तो आज हम लोग सीख पाए ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन में किस तरह से वायरिंग किया जाता है और किस तरह से सारे पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप इसे रिवाइज करते रहे, बार बार देखें और समझें ताकि आप एक अच्छा टेक्नीशियन बन सके। आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना और धन्यवाद।